किसकी सैलरी ज्यादा है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की? आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये क्यों पूछ लिया गया, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। हुआ ये कि दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी ने शपथ ली है, और शपथ लेते ही उन्होंने एक बड़ा फैसला करते हुए सैलरी ना लेने का ऐलान कर दिया। ये फैसला उन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक हालत के चलते लिया। 68 साल के राष्ट्रपति जरदारी ने पाकिस्तान पॉपुलिस्ट पार्टी के एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि चुनौती भरे हालातों को देखते हुए मदद के लिए ये फैसला लिया गया है, इससे देश के राजस्व पर बोझ नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सबसे अमीर पॉलिटिशियंस में से एक हैं। उनकी नेटवर्थ 1.8 अरब डॉलर है, यानी लगभग 15,000 करोड़। पाकिस्तान की संसद की तरफ से जो राष्ट्रपति की सैलरी तय करी गई है वो है 8,46,550 रुपीस। न केवल पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बल्कि नए गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी ऐलान कर डाला कि वो भी अपनी सैलरी फॉरगो करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन पीएम और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की सैलरी में डिफरेंस कितना है? भारत के पीएम को सालाना 19,20,000 और मंथली 1,60,000 रुपीस मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की सैलरी से 6,86,550 रुपीस कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से नहीं छुपी है, चाइना के साथ साथ कई सारे देशों से पाकिस्तान ने उधार ले रखा है, और उस उधार को चुकाने के लिए और उधार लेना पड़ता है। IMF की इतनी मदद के बाद भी हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। महंगाई इतनी है कि पाकिस्तान की जनता खाने पीने के साथ रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए भी परेशान हो रही है। पाकिस्तान की ऐसी हालत को देखते हुए आसिफ अली जरदारी ने ये नया फैसला लिया है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान इस कंगाली से बाहर निकल पाएगा? हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।